हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा कि ऐसे सीपीओ का जो आपने मेंस का एग्जाम दिया है तो आपका क्या स्कोर रहेगा, क्या स्कोर मेंस में आए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अगर आप मिनिमम कट ऑफ भी लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो भी आप मेंस में कितने लाए जिससे आपका एक पोस्ट तो आपके लिए कन्फर्म हो जाए। और ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है आंसर की आने का और साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे ऐसे सीपीओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम लोग ऐसे सीपीओ मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, उससे भी रिलेटेड वीडियो बनाया है। मैंने भी मेडिकल दिया था और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था ऐसे सीपीओ के मेडिकल में, वो सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। ऐसे सीपीओ की हर स्ट्रैटेजी को मैंने एक्सप्लेन किया, उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। एसएससी सीपीओ 2022 में जो आया था, 2022-23 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि 2023 तक क्लियर करेगा इसका एग्जाम का रिजल्ट। तो चलिए अब बात करें, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड आंसर की कब तक आने का चांस है, कि आंसर की का जो डेट होगा क्या होगा जब तक आपका आंसर की आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले मेंस का जो एग्जाम हुआ है, आपका कब कंडक्ट हुआ है, 2 मई को मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और अभी का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो बात करें ऐसे सीजीएल का अगर ट्रेंड देखा जाए, प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था करीबन 4 से 5 दिन के अंदर आपका आंसर की आ गया था। मेंस का एग्जाम का अगर बात करें तो 4 दिन में आपका क्या आ गया था, आंसर की आ गया था। उसी प्रकार सीपीओ में भी 6 से 7 दिन लगा था। अगर उसी ट्रेंड को अगर लेते हुए चले ना, तो एक्सपेक्टेड आप अगर बात करें तो जैसे कि आज 6 तारीख है, तो 8 से 9 तारीख तक आपका पक्का आपका क्या आ जाएगा, आंसर की आ जाएगा। तो मतलब 8 मई से 9 मई के बीच में आपका क्या आ जाएगा, आंसर की पक्का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना होना चाहिए। 4300 वैकेंसी है, आपको तो एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को कोई भी पोस्ट मिल जाए बढ़िया है, बस हमको जॉब होना चाहिए, तो कितना मिनिमम आपको आप लाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो मेंस का जो पेपर हुआ है, पेपर का लेवल का अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया और मैंने खुद का भी एनालिसिस देखा, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि 190 तक अटेम्प्ट किया है, 199 तक भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। तो अगर हम एवरेज अटेम्प्ट का बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट बोल सकते हैं कि 160 से 180 बच्चों ने किया है अटेम्प्ट। ठीक है, पेपर लेवल का बात करें तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि अगर देखा जाए पैसेज को तो ज्यादा फोकस हम पैसेज पे करें तो देखिए पैसेज में तो जो था, 2 पैसेज जो था वो बिल्कुल आसान था, वुमेन्स आईपीएल को लेके था, और भी 2 पैसेज था वो हार्ड था, हार्ड मॉडरेट से हार्ड लेवल तक कह सकते हैं, उसमें बच्चे जो है ना फंसे हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करें क्लॉज टेस्ट का, तो क्लॉज टेस्ट भी मिला जुला के 2 आसान दिया गया था और 1 से 2 जो था थोड़ा हार्ड था। पीक्यूआरएस भी आपका थोड़ा लेंदी दिया गया था, तो ये सब जो है ना ये फंसाने वाला था। आप एक चीज बात करें कि रॉन्गली स्पेल्ड जो वर्ड रहता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसमें जो था लग रहा है कि पढ़ा हुआ सब है लेकिन क्या था, कंफ्यूजिंग था, तो उसमें भी बच्चे फंस सकते हैं। एक्टिव पैसिव नरेशन का बात करें तो वो तो नेचुरल बोल सकते हैं, वो इजी लेवल का था। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट अगर बोल दें तो 160 से 180 हो सकता है बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो इतने सही नहीं है, अटेम्प्ट किया है बच्चों ने, यहां तक 190 भी सब बोल रहे हैं। ठीक है, कितना सही होता है वो तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट बोल सकते हैं, ईजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, अटेंडेंस का बात करें तो फ्रेंड्स यूपी और बिहार का अटेंडेंस बताया गया था 94.48% आपके पेपर में कटिंग आया था, अप्रॉक्स अगर बोल दें तो 95% अटेंडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसा यहाँ अटेंडेंस रहा है, मेंस का एग्जाम है, सभी बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो अटेंडेंस तो मुझे लगता है कि 95% ही ऑल ओवर रहेगा। लेकिन एक चीज और इसमें देख सकते हैं कि सीजीएल का जो 2021 का था उसका रिजल्ट आ चुका है। सीजीएल के बच्चे आपको पता है कि बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, तो जो अच्छे नंबर लाए होंगे फिजिकल में वो नहीं जाते हैं। और ये भी बात है कि इस बार जो सीजीएल जो था 2022 वाला सीजीएल, उसका जो मेंस का एग्जाम था, और अगर जो सीपीओ का फिजिकल का बात करें तो जो ये था ना एग्जाम जो एकदम मतलब टैली टाइप का कर रहा था, जो फिजिकल की तैयारी में लगेंगे उससे मेंस अगर सीजीएल का छूट जाएगा, और जो जो सीजीएल में लगेंगे वो फिजिकल नहीं कर पाएंगे। तो जिनका अच्छा तैयारी है वो प्रेफर किए हैं कि हम सीजीएल की तैयारी करें मेंस में। ठीक है, तो वो भी बच्चे जो 180, 170, 190 लाए हैं वो भी आपके क्या हुए हैं, इसमें कम हुए हैं। सीपीओ में जो फिजिकल में दौरे हैं वही बच्चे दौरे हैं जो कि एकदम टू द बाउंड्री हैं, या तो 20-30 नंबर ज्यादा है।
ठीक है, तो उसको भी लेके चल सकते हैं कि 180 190 बच्चे वाले फिजिकल में तो क्वालिफाई नहीं किए होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का अगर क्वालिफाई का अगर बात करें तो मेल्स में अगर देखें, मेल में तो 63,945 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, फीमेल का अगर बात करें तो 4,419 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था। फिर बात करें तो करीबन 68,000 बच्चे ने फिजिकल देने के लिए गए, ठीक है, जिसमें बहुत देने के लिए सब गए नहीं, उसमें भी एब्सेंट बहुत हुए थे। फिजिकल क्वालिफाई जो किए बच्चे वो है 15,740 बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई किए थे, ठीक है, और यही बच्चे जो है ना यही आपके मेंस में बैठेंगे। मेंस का फिर डेट आया आपके 2 मई को, तो मेंस में क्या हुआ, मेंस का जो अटेंडेंस रहा आपको मैंने पहले बताया 95% अटेंडेंस रहा है, तो करीबन 14,953 बच्चों ने क्या किया, एग्जाम को दिया। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखें, तो 2019 का अगर कट ऑफ देखा जाए तो वैकेंसी पहले देख लेते हैं, 2,998 करीब करीब मान लेते हैं 3,000 वैकेंसी था। टीयर वन का कट ऑफ जो है ना 101 गया था, कितना 101 गया था, और फाइनल जो मेल का सिलेक्शन हो गया आपके 261 नंबर पे हो गया। मान लीजिए आप 101 लाए हैं, मिनिमम कट ऑफ लेके चले, अगर आप मिनिमम 101 अगर लेके आए थे अगर टीयर वन में, तो मेंस में आपको टीयर टू में करीबन करीबन आपको कम से कम 160 लाना पड़ेगा, तभी आपका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो मतलब डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, 160 नंबर का डिफरेंस आपके 2019 में हुआ है। और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल का 268 गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 2020 में, तो एकदम हाफ वैकेंसी हो गई, जब वैकेंसी कम हुआ तो देखिए आपका कट ऑफ क्या हो गया, 114 चला गया, कितना 114। ये तो पता है कि वैकेंसी कम होता है तब भी क्या होता है आपका कट ऑफ क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। और यहां अगर डिफरेंस देखें दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो अगर मिनिमम आप 114 लेके चले कि आपका 114 आया था, ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी बता रहा हूं, अगर 114 आपका आया है, ठीक है, मिनिमम आया था उस समय 2020 में, तो आपको कम से कम 270 लाना पड़ा था, सॉरी 170 आपको टीयर टू में लाना पड़ा, तभी आपका सिलेक्शन हुआ, एक कोई ना कोई पोस्ट मिल गया, सीआरपीएफ का पोस्ट आपको मिल गया। और फीमेल का बात करें तो मिनिमम जो 2020 में गया था वो 300 गया था, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें 2022 में, तो 22 में नो डाउट सीट बहुत ज्यादा है, 4300 है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी था, सब कुछ था, तो टीयर वन में देखिए क्या हो गया आपका, टीयर वन में एकदम सेम टू सेम जैसा 2020 में था, उससे तीन गुना वैकेंसी, लेकिन आपका कट ऑफ जो है एकदम सेम 115 और ज्यादा ही चला गया एक नंबर, ठीक है। तो अगर हम ऑल ओवर अगर बात करें ना, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इफेक्ट आए, क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल का 2021 का भी रिजल्ट आ गया, 2022 का भी अभी रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें प्रभाव डाल सकता है। तो इसलिए मैं बोलूं कि यहाँ जैसे 170 का डिफरेंस, यहाँ 160 का डिफरेंस, तो यहाँ अगर बोलूं ना तो करीबन करीबन आपका कम से कम ना आपका हम बात करें तो 155 जो लाएगा ना, 155 जो ले आएगा, ठीक है, अगर टीयर टू में जिनका मिनिमम एकदम बाउंड्री पे जो है बच्चे, अगर 155 ले आएंगे, मतलब करीबन आपका अगर 170 नंबर आ जाएगा ना, अगर आप मेल हैं तो आपका क्या हो जाएगा ना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 170 अगर सॉरी मतलब टोटल ऑल ओवर बोलेंगे तो 270 और यहाँ 155, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट आपका सीआरपीएफ का पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फीमेल का, तो फीमेल में मिनिमम अगर बात करें तो 285 मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप यूआर कैटेगरी से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो मैंने अनरिजर्व कैटेगरी बता दिया। इसी प्रकार अगर ओबीसी का ओवरऑल बात करें, तो ओबीसी में आपको कम से कम आपको 255 से 260 के बीच में लाना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप एससी का भी सोच लीजिएगा, एसटी का भी इसी प्रकार हो जाएगा, आप 10-10 नंबर घटा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो और जो डिटेल्स में एनालिसिस होगा आंसर की आने के बाद, हम लोग और एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं एक और मेडिकल का वीडियो बनाऊंगा, मैंने मेडिकल दिया था साथ में रीमेडिकल भी दिया था, तो मैंने दोनों पे वीडियो बनाया है आपका, रीमेडिकल और मेडिकल दोनों पे लिंक दे दूंगा, लेकिन एक नया वीडियो और आएगा जिसमें और मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। इस बार से क्या हो गया ना कि आपको पिछले बार से क्या हुआ है, रीमेडिकल नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट मेडिकल में ही आपको अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है तो आउट कर दिया जा रहा है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि आपको वहां बाहर नहीं निकाले, क्या दिक्कत हो सकता है, वो सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, नया वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलें कि यस सर मुझे वीडियो चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, तो मैं आपको जरूर मेडिकल से रिलेटेड वीडियो एकदम डिटेल्स में बना के दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि क्या गलती ना करें जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और मैंने जो भी बताया टोटल अपने मैंने जो एग्जाम दिया उस पे और जैसा स्ट्रैटेजी रहा है बच्चों ने दिया है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।